आज हम बर्ड फोटोग्राफी करेंगे और मैं कैनन 1300D यूज करने वाले हैं। आप देख सकते हैं मैं कैनन 1300D यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे लेंस जो है मेरा वो 55-250 mm है। मैं इसको यूज करने वाला हूँ बर्ड फोटो के लिए। देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है इस कैमरे से और इस लेंस से। और मैं यहाँ पे बर्ड देख रहा हूँ, बर्ड पर कोई दिख नहीं रहे यहाँ पे बर्ड। ये पूरा तालाब आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस तालाब के पास काफी बर्ड्स रहते हैं सुबह सुबह। और मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ इस वजह से अभी कोई बर्ड नहीं दिख रहा, मैं बर्ड की तलाश कर रहा हूँ। अभी चलते हैं दूसरी लोकेशन पे, देखते हैं। अभी मैं दूसरी लोकेशन की तरफ आ चुका हूँ और चलते हैं नीचे, देखते हैं वहाँ झील के पास, देखते हैं कुछ बर्ड मिल जाए हमें। उम्मीद तो पूरी है कि बर्ड मिलेंगे, पर कुछ कह नहीं सकते बर्ड मिलते हैं या नहीं। चलो फिर चलते हैं। तो अभी तो मैं यहाँ झील के पास आया था, पर पूरी झील सूखी दिख रही है मुझे और यहाँ पे कोई बर्ड भी नहीं दिख रहे मुझे। चलते हैं और देखते हैं वहां पे बर्ड दिखते हैं। तो फाइनली गाइस अभी आ गए हम झील की तरफ। झील इधर है हमारे राइट साइड में। तो अभी झील देख लिया आपने, इसके अंदर बहुत सारे बर्ड्स हैं और अभी चल के नीचे चल के हम शूट करेंगे। आओ फिर चलते हैं। कैसे रिजल्ट मिलते हैं हमें, मैं आपको दिखाता रहूंगा, साथ ही साथ मैं आपको दिखाता रहूंगा पिक्चर्स जो मैं शूट कर रहा हूँ। तो चलो फिर चलते हैं। जो भी मैंने पिक्चर शूट किया है वो सब आपको अभी स्क्रीन पे मैं दिखाऊंगा। तो गाइज यहाँ पे मैंने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी है और अभी मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या पिक्चर लिया है। ये जो हमें रिजल्ट मिला है वो कुछ इस तरह का है।